अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है चॉकलेट फ्रूट केक। तो आइए हम बनाते हैं टेस्टी चॉकलेट फ्रूट केक। चॉकलेट फ्रूट केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, एक तिहाई कप मैंने कोको पाउडर लिया है, एक टीस्पून बेकिंग सोडा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर सॉरी और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और यहाँ एक चम्मच मैंने कॉफ़ी ली है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए सब छान लिया है मैंने, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने तीन अंडे लिए हैं, ये अंडे का भी पीला भाग है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। अब हम इसको एक साइड कर देंगे। तो बाउल लिया है, इसमें ये अंडे का सफ़ेद हिस्सा मैं डाल दूंगी, ये तीनों अंडे का सफ़ेद हिस्सा है। मैं आधा कप शक्कर डालूंगी, आधा कप शक्कर, आधा कप कुकिंग ऑयल और एक टेबल स्पून एसेंस। आपको जो एसेंस डालना हो, वेनिला पाइनएप्पल जो एसेंस आपको डालना है आप डाल सकते हैं। पिंच नमक, अब इन सबको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अब हमने इसको बीट करके रखा है, अब हम इसमें धीरे धीरे इसको डालेंगे और मिक्स करेंगे। आप धीरे धीरे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दीजिए। यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैं मिक्स करूँगी। हमको एक स्मूथ बैटर बनाना है, बस इतनी देर हम वेट करेंगे। चलनी में डाल के एक बार फिर छान लूँगी। हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ। अब हम आइए केक टिन को तैयार कर लेते हैं। मैंने ग्रीस करके रखा था और ये पूरा बैटर इसमें डाल दिया है और मैंने गैस पर कढ़ाई में नमक डाल के इसको प्रीहीट होने रख दिया है। अब ये केक टिन हम उसमें रख देंगे। ये केक टिन को मैंने रख दिया है, अब इसको ऊपर से मैं ढक दूंगी और इसको 35 से 40 मिनट बेक होने दूंगी। केक अच्छी तरह से बेक हो गया है और इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी, ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। केक ठंडा हो गया है और मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। ये केक हमारा दोनों हिस्सों में अच्छे से कट हो गया है, अब एक हिस्सा मैं इधर रख दूँगी और अब हम इस पर शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप बना के रखा है मैंने, दो चम्मच शक्कर ले ली थी उसको मैंने पानी में अच्छी तरह से घोल लिया है। अब मैं इस पर केक पर लगाऊँगी। अच्छे से हम पूरे केक पे फैला देंगे। शुगर सिरप लगा दिया है, अब इस पर मैं क्रीम लगाऊंगी। यह मैंने व्हिपिंग क्रीम में चॉकलेट को मेल्ट करके, डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा है, मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, उसको मैं लगाऊंगी अच्छी तरह से। मैंने प्लेन टाइप लिया है, इसकी मदद से मैं अच्छी तरह से क्रीम को फैला दूँगी। केक पे अच्छी तरह से क्रीम को फैला दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स, मैंने अंगूर काट के रखे हैं, हरे अंगूर, थोड़े काले अंगूर और थोड़े से पाइनएप्पल के पीस काट के रखे हैं, वो सब मैं इस पर डाल दूँगी। चॉकलेट फ्रूट केक बहुत अच्छा लगता है, इसमें चॉकलेट का मज़ा और फ्रूट का दोनों का मज़ा आता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरी भी डाल रही हूँ, आपको जो फ्रूट डालना हो आप अच्छी तरह से इस पर डाल दीजिए। मैंने बहुत सारे फ्रूट इस पर डाल दिए हैं, आप जो भी फ्रूट्स डालना हो आप डाल सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा और क्रीम लगा दूँगी,
और इसके ऊपर थोड़ा फैला दूंगी मैं इस तरह से। ऊपर मैंने क्रीम लगा दिया है। अब ये केक का दूसरा हिस्सा मैं इसके ऊपर रखूंगी और अब इसके ऊपर भी मैं शुगर सिरप लगाऊंगी। इससे मैंने शुगर सिरप लगा दिया है। अब इसके ऊपर भी हम क्रीम लगा देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। क्रीम अच्छी तरह से लगा दिया है। अब आसपास जाइए क्रीम लगा है, हम इसको टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने रख दूंगी। केक को आधा घंटा हो गया है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डेकोरेशन कर लूंगी इस तरह से। आप नोजल में मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में नोजल लगा के डेकोरेट कर दिया है। अब हम थोड़ा सा नीचे भी डेकोरेट करेंगे। नाउ केक में आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने नीचे भी चारों तरफ से डेकोरेशन कर दिया है। अब मैं इसको 10 या 15 मिनट के लिए और थोड़ा सेट होने फ्रीज में रख दूँगी। ये हमारा अब इस तरफ में मैंने स्ट्रॉबेरी और कीवी को काट के रखा है, इसको मैं इस पे लगा दूँगी। इस तरह से हम कीवी को और स्ट्रॉबेरी को लगाएंगे चारों तरफ स्ट्रॉबेरी और कीवी लगा दी है। अब यहाँ पर मैं बीच में भी कुछ फ्रूट्स रख दूंगी इस तरह से। यहाँ पर हम पाइनएप्पल के भी पीस रखेंगे। आपको जो फ्रूट पसंद हो आप उसको रख सकते हैं। हम केक को कट करते हैं। देखिए आपको काटने से ही लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। चॉकलेट फ्रूट केक तैयार है। ये देखिए ये जितना खूबसूरत दिख रहा है ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी फ्रूट चॉकलेट केक की तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।